हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने स्पेशली DU SOL वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि उनके फ्यूचर में काम आएगी। बेसिकली ये बातें ज़्यादातर DU SOL वाले बच्चों को पता नहीं होती, इसलिए उनकी मदद के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, फ्यूचर में एडमिशन के लिए या जॉब्स के लिए मार्कशीट, प्रोविजनल और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिए, मार्कशीट डाउनलोड करने के 1-2 मंथ बाद आपको प्रोविजनल डाउनलोड करना होगा। याद रखिए, ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो कि आपके काम आएगी। आपको मार्कशीट डाउनलोड करने के 1-2 मंथ बाद आपको प्रोविजनल डाउनलोड करना होगा। यह प्रोविजनल जब तक आपके काम आएगा जब तक आपकी डिग्री नहीं आएगी। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप अपनी फाइनल मार्कशीट, जो मार्कशीट जिसमें ओवरऑल मार्क्स आए और प्रोविजनल डाउनलोड कर लें, तब आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे यानी प्रोविजनल और मार्कशीट पर स्टैंप लगवानी है DU SOL के ऑफिस में जाकर। एक बार आप और सुन लीजिए, आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे यानी प्रोविजनल और मार्कशीट पर स्टैंप लगवानी है DU SOL के ऑफिस में जाकर। अगर आप इन दोनों पर स्टैंप नहीं लगवाओगे तो आपकी मार्कशीट वैलिड नहीं होगी और फिर फ्यूचर में दिक्कत आएगी जॉब्स में और एडमिशन में, स्पेशली अगर आप रेगुलर एडमिशन ले रहे हो। आपको ओवरऑल मार्कशीट पर स्टैंप लगवानी होगी। अब बात करते हैं डिग्री की। DU SOL की डिग्री लेने के लिए आपको कोर्स ख़त्म होने के 1 या 1.5 साल का वेट करना होगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी डिग्री कलेक्ट करने के लिए। अपॉइंटमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। याद रहे, जब आप डिग्री लेने चाहो तो बेसिक डॉक्यूमेंट आप लेकर आ जाइए, जैसे अपनी मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, फोटो, पेन और ये एक कोरा कागज जिस पर आपको कुछ लिखने की जरूरत हो तो आप लिख सको। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको सबसे पहले अपना प्रोविजनल एंड मार्कशीट पर स्टैंप लगवानी है और डिग्री के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। प्रोविजनल मार्कशीट और अपॉइंटमेंट ऑफ डिग्री का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्लासेस लेनी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्पेशली अगर आप SOL से इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस या कोर्स कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।